हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हम यहाँ मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उन सारी की बुक्स के जितने भी मॉडल पेपर दिए गए हैं वो सारे मॉडल पेपर को हम वन बाई वन करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम के लिए आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 26 नंबर से, देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामचरित मानस में कितने सोपान, सोपान का मतलब कांड, कितने सोपान है या फिर कितने कांड है। तो जानते रहेगा रामचरित मानस में टोटल 7 सोपान या 7 कांड हैं। तो देखिए 7 कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 27 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है। तो जानते रहेगा सूर सागर जो रचना है वो लिखी गई है ब्रज भाषा, ब्रज देखिए कहां, ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है। तो जानते रहेगा ये पंक्ति लिखी है मीराबाई ने, मीराबाई देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है अंधा युग किसकी रचना है। तो जानते रहेगा अंधा युग जो रचना है वो है धर्मवीर भारती की, देखिए ऑप्शन कहां आया है, देखिए सी नंबर पर है धर्मवीर भारती, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो जानते रहेगा तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था इसके बारे में किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जानते रहेगा जितने भी अलग अलग विद्वान है वो अपना अपना अलग अलग मत देते हैं, लेकिन कुछ खास विद्वान है जो बहुत ही कह सकते हैं आप फेमस है, वो सब जो मिलकर किसी एक डेट पर जो सहमत हुए हैं वो डेट है 1554 में। तो जानते रहिए ज्यादातर जो विद्वान है वो इसी डेट पर सहमत होते हैं। तो 1554 देखिए कहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 31 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो जानते रहिएगा इसमें है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा 31 नंबर तक क्वेश्चन हो गया, इसके बाद 32-33 से सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन चूंकि पेपर आपको जूम करके दिखाया जा रहा है इसलिए आधा पेपर आपका भी कट रहा है। तो फिलहाल जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर जो नहीं दिख रहा है फिर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। 38 नंबर देखिए ऊपर देखिए क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करिए। देखिए ऑप्शन ए में देखिए आया है तत्सम, बी नंबर पे देखिए आया है वर्षा, सी नंबर पे है हाथी और डी में है आंसू। तो जानते रहिए इन चारों में जो तत्सम शब्द है वो है वर्षा, वर्षा देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 39 नंबर देखिए क्वेश्चन है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है मोती, बी नंबर पर है दुर्बल, सी में है परीक्षा और डी में है भक्त। तो जानते रहिएगा इन चारों में मोती शब्द जो आया है वो तत्सम शब्द नहीं है, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 40वां नंबर देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है। देखिए ऑप्शन ए में है भक्त, बी नंबर पे है मुंह, सी नंबर पे देखिए मर्म और डी नंबर पे है प्रलाप। तो जानते रहिए इन चारों में तद्भव शब्द है मुंह जो आया है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है सही वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन सभी में देखिए ए बी सी डी इन सभी में युधिष्ठिर लिखा गया है। तो जानते रहिएगा जो सही वर्तनी है जो सही लिखा गया है वो है ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखिएगा एक ही शब्द है हमारे पास वो है अभिषेक, और अभिषेक में देखिए चार तरह का लिखा गया है ए बी सी डी, इसमें से कोई एक सही है और कौन सा सही है, जानते रहिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है अभिषेक, बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी सही नहीं है। तो अब जानते रहिएगा अभी तक सही कौन सा है ये हम सर्च कर रहे थे, अब कौन सा सही नहीं है वो हमें देखना है। देखिए ए नंबर पर है कर्तव्य और सी, बी नंबर पर है कर्तव्य, सी नंबर पर है उद्योग और डी नंबर पर सिद्धांत। तो जानते रहिएगा ऑप्शन हमारा जो ए नंबर है कर्तव्य, ये कर्तव्य जो है ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, ये इसकी वर्तनी सही नहीं है, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर। नेक्स्ट नंबर देखिए वो सारे क्वेश्चन आ गए हैं जो अभी तक कट रहे थे। देखिए 32 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। देखिए ऑप्शन ए में है वीर रस, बी नंबर पे करुण रस, सी नंबर पे श्रृंगार रस और डी में है रौद्र रस। तो जानते रहिए इन चारों में वीर रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, जैसे वीर रस देखिए कहां ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है काव्य में कुल कितने रस माने जाते हैं। तो जानते रहिए काव्य में कुल 9 रस माने जाते हैं, 9 देखिए कहां है ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जानते रहिएगा इसमें है यमक अलंकार, यमक देखिए कहां ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है छंद निर्धारित करें। देखिए क्या कह रहा है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो जो कविता है इसकी छंद क्या है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है पादकुलक, बी नंबर पर है चौपाई, सी नंबर पर है वहरी और डी नंबर पर है दोहा। तो जानते रहिएगा ये जो कविता लिखी गई है ये चौपाई में लिखी गई है, तो इसलिए चौपाई देखिए कहां है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे।
छत्तीस नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, नीलांबर में कौन सा समास है? तो जानते रहिएगा नीलांबर में जो समास है वो है कर्मधारण। कर्मधारण देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। सैंतीस नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, नील रत्न में कौन सा समास है? तो जानते रहिएगा नील रत्न में भी कर्मधारण है, तो कर्मधारण देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। चौवालीस नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्षमा पाने लायक है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जानते रहिएगा जो क्षमा पाने लायक होता है उसे क्षम्य कहते हैं, तो क्षम्य देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। पैंतालीस नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, सूर्योदय से पूर्व, पूर्व मतलब पहले, सूर्योदय के पहले का समय उसे क्या कहते हैं? तो जानते हैं कि जो सूर्योदय मतलब सूर्य निकलने से पहले का जो समय होता है उसे बोलते हैं ऊषाकाल। ऊषाकाल देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। छियालीस नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मगर करना मुहावरा का अर्थ है। तो जानते रहेगा अगर मगर करने का मतलब होता है बहाना बनाना, जैसे कहते हैं कि वो हमेशा अगर मगर करता रहता है, कुछ सुनता नहीं है, मतलब बहाना बनाता रहता है। और देखिए ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, बहाना करना, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। सैंतालीस नंबर देखिए क्वेश्चन है, अक्ल का पुतला मुहावरा का अर्थ क्या है? तो जानते रहेगा अक्ल का पुतला का मतलब होता है बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान इंसान, जो बहुत ही बुद्धिमान होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अक्ल का पुतला। और देखिए ऑप्शन कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है बुद्धिमान, वैसे आप बी में देखेंगे तो अक्लमंद आया, तो अक्लमंद का भी मतलब होता है बुद्धिमान, लेकिन इसमें दोनों में थोड़ा सा एक अगर आप अंतर देखेंगे तो अक्लमंद ये उर्दू शब्द है और बुद्धिमान जो है वो हिंदी शब्द है, और हमें हिंदी का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम हिंदी जो शब्द होगा उसको हम पहले वरीयता देंगे, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, दुष्कर, दुष्कर का विलोम क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में है सबल, बी नंबर पर है सरस, सी नंबर पर है सरल, और डी में है सफल। तो जानते रहिएगा दुष्कर का जो विलोम होता है वो होता है सरल। सरल देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर सी, वैसे जानते रहिएगा सिर्फ एक ही विलोम नहीं होते, कई होते हैं, लेकिन इनमें से जो चारों में से अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन है, अभ्युदय का विलोम है, तो अभ्युदय का कौन सा विलोम शब्द है? देखिए ए नंबर पर है उदय, बी नंबर पर है उठना, सी नंबर पर है पतन, और डी नंबर पर है तैयार। तो जानते रहेगा अभ्युदय का जो विलोम शब्द है वो है पतन, तो पतन देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहेगा अभ्युदय, जिसका वो नहीं पता है, अभ्युदय का मतलब होता है किसी चीज का अस्तित्व में आना, जब कोई चीज निर्माण की प्रक्रिया में होती है तो उसको हम बोलते हैं अभ्युदय होना, और निर्माण का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, पतन होगा, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, कानक, कानक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में है वन, बी नंबर पर है मधुकर, सी नंबर पर है विहीप, और डी नंबर पर है पुष्प। तो जानते रहेगा कानक का जो पर्यायवाची है वो वन, वन जंगल जिसे आप कहते हैं उसका ये पर्यायवाची है, तो वन देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो भी आपको यहाँ बताया गया है, और सारी चीज़ें अगर क्लियर हो रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए आज कितने रखते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।